special set of reaction which includes alkylation and acylation. Here, first of all, we will study alkylation. Here, E plus is CST positive. Here also we can use AlCl3 as a catalyst. And an electrophile E plus generator. For this, we take an alkyne halide, say example CH3Cl, and react it with AlCl3. We get CH3 positive and a base, AlCl4 negative. Now we, the same mechanism, will react it with benzene, CH3 positive. Similarly, it forms three resonating structures. And again, the base extracts a proton. And again, we get a aromaticity retained compound, toluene, with the byproducts. It's just similar to the halogenation we have seen just now. अल्काइलेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट, इट हैज अ मेजर डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज क्या है? द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन द रिएक्टेंट. फॉर एग्जांपल, हमने बेंजीन लिया था, उसमें CH3Cl ऐड करा के हमने टोलुइन बना दिया. अब हम देख रहे हैं CH3 एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये जो रिंग है उसको और एक्टिवेट कर देता है, मतलब वो और न्यूक्लियोफिलिक हो जाती है. तो ये रिएक्शन यहां पर ही स्टॉप नहीं होता है, इससे और मोर अल्काइलेशन होके वो डबली अल्काइलेटेड बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल दिस, इसका इफेक्ट पड़ेगा, सो इट विल नॉट कम एट द मेटा बट एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन. प्लस दिस वन पैरा, तो इसका डिसएडवांटेज ये हुआ कि हम इस स्टेप पे बिल्कुल नहीं रुक सकते, क्योंकि CH3 इस बेंजीन रिंग को और एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि ये है एक्टिवेटिंग ग्रुप और इस रिंग को न्यूक्लियोफिलिक बना रहा है. तो इसमें जो ये वाली चीज है, ये और एक बार ऐड होके डबली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना देगा. ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, अगर जो हमारा एडिंग रिएजेंट है CH3Cl, ये तो एक प्राइमरी कार्बन से था जुड़ा हुआ. अगर सोच लीजिए इसमें सेकेंडरी यूज करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल Cl और टर्शरी CH3 CH3 CH3. इफ दिस रिएजेंट और दिस रिएजेंट इज यूज्ड विद बेंजीन, then accordingly the carbocations will be formed which will get rearranged to form more stable carbocations, such that आपका ये चीज directly add नहीं होगा, जैसे ये है और ये है, इसमें जो positive sign आएगा, यहाँ तो हमें दिख रहा है कि तीनों CH3s को stabilize कर रहे हैं. मान लीजिए कोई एकदम अजीब सा है जिसमें दो cases possible है. For example, like this. So, positive one is this. इसमें दो केसेस पॉसिबल, एक 1 डिग्री बन सकता है और एक 2 डिग्री बन सकता है. तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट इस पे डिपेंड करेगा कि कार्बोकैटायन कितना स्टेबल है. कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो वही चीज जाके बेंजीन पे अटैक करके हमारा फाइनली जो अल्काइलेशन प्रोडक्ट बन जाएगा. तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें जब भी अल्काइलेशन जब भी हम करेंगे कोई भी एग्जाम्पल में, तो वी हैव टू टेक नोट ऑफ द स्टेबल मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन विच इज फॉर्म एंड देन इट वी हैव टू एड इट इन द बेंजीन. सेकेंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट, द एडिशन ऑफ द रिएजेंट अल्काइल हैलाइड, एडिशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल,
वही वाला एग्जाम्पल है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी ए, ये हो गया। अगर हम इसको बेंजीन पे रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ए एन सी एल थ्री देन टू केसेस आर पॉसिबल। अगर हम हीट नहीं दे रहे हैं, इफ वी आर नॉट गिविंग हीट, और वी कैन से एट लोअर टेम्परेचर, फर्स्ट केस इज एट लोअर टेम्परेचर, एट लोअर टेम्परेचर दैट कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म विच इज लेस स्टेबल बिकॉज इट्स नॉट गेटिंग मोर एनर्जी टू जंप टू द नेक्स्ट लेवल, सो विल फॉर्म CH2 positive carbocation and then we will directly add it to the benzene ring like this CH2 CH2 CH3. Second case would be that at higher temperature the primary carbocation which we have formed earlier will rearrange itself to form a secondary carbocation positive, and this will directly add to the benzene ring to form a more stable alkyl benzene like this. So we have to also take care that if in the question if it is given like this, if heat is given, then we have to take that path which forms the most stable carbocation. So finally this product will be formed. And finally the fourth one, the order of effectiveness of these reagents like AlCl3, like in the book it's given, we have the different types of Lewis acids are given, FeBr3, also depends that if one is more reactive, say we take two compounds AlCl3 and FeCl3, AlCl3, if we do the reaction with AlCl3, it will form the product faster than if we use FeCl3. So we have to also take care of the reagents which we are using in the alkylation process. These are the four most important points which we have to remember. First one is the disadvantage you get because you have to always see which carbocation is stable, and then according to that we have to apply it on the benzene. Second one, dependent temperature. Third one is the temperature. Second one, disadvantage, we have seen more alkylations. Second one is the stable carbocation, and fourth one, we have to see the reagent which we are adding and its reactivity. If AlCl3 is added, then we have to take care that most favorable product will be formed in presence of AlCl3, not in FeCl. Now we study the